मोदी सरकार रोजगार उपहार तृतीय रोजगार मेळारे 71,000 ऊर्ध्व युवक युवती को मिलला नियुक्ति। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे मोदी भुवनेश्वर रे धर्मेंद्र देले नियुक्ति पत्र। ए वर्ष 1,00,000 युवक युवती को नियुक्ति देबे केंद्र सरकार। अक्टोबर 22, 2022 रे प्रथम एवं नवंबर 22, 2022 रे द्वितीय रोजगार मेला परे अनुष्ठित होइछे रोजगार मेलार तृतीय संस्करण। प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे 71,426 जन युवक युवती को नियुक्ति पत्र प्रदान करछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देशर 24 राज्य 45 टी स्थान रे नियुक्ति मेला आयोजित होइतुवा बेले केंद्रमंत्री माने उपस्थित रही युवक युवती को नियुक्ति पत्र देछन्ति। समस्त नियुक्ति यूपीएससी एसएससी रेलवे भर्ती बोर्ड आईबीपीएस भली एजेंसी माध्यम रे दिया जाउछे। विभिन्न सरकारी विभाग गुड़िक सबु नवनियुक्त कर्मजोगी प्रारंभ मॉड्यूल ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं पारे। 2023 प्रथम रोजगार मेले रे बैंक रे नियुक्ति पाइथिबा युवक युवती आलोचना करले प्रधानमंत्री। मोदी कहते युववर्ग सशक्त हेले देश सशक्त हेबो। निरंतर हो रहे ये रोजगार मेले अब हमारी सरकार की पहचान बन गए हैं। ये दिखाता है कि किस तरह हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके दिखाती है। पिछले 8 वर्षों में व्यापक स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से रोजगार के लाखों अवसर बने हैं। थोड़ा विस्तार से मुझे अपना अपने परिवार के विषय में थोड़ा बताइए और नौकरी मिलने के बाद परिवार में क्या बदलाव आया है? मेरे मम्मी पापा कभी सोचे नहीं थे कि मुझे इतनी जल्दी नौकरी मिल जाएगी। मैं इसलिए आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आपने इसका प्रोसेस बहुत जल्दी करवाया है। मैं अभी मेरे मम्मी पापा को फाइनेंशियली हेल्प कर पा रही हूँ। फैसल नमस्ते। नमस्ते सर। फैजल अपने विषय में बताइए, आपकी नौकरी मिलने की प्रक्रिया कैसी रही? सर मैं श्रीनगर से हूँ और मुझे जूनियर असिस्टेंट की जॉब एनआईटी श्रीनगर में मिली है। फैमिली में पहला गवर्नमेंट एम्प्लॉई होने के नाते मुझे बहुत गर्व है और मुझे खुशी है कि मुझे लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। एपटे भुवनेश्वर स्थित आईआईएमटी रे आयोजित रोजगार मेला रे युवक युवती मानको केंद्र शिक्षा दक्षता विकास तथा उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नियुक्ति पत्र प्रदान करछन्ते। भारत सरकार को विभिन्न विभाग रे 128 जन नवनियुक्त युवक युवती को नियुक्ति पत्र वितरण करछन्ते धर्मेंद्र। रेल विभाग सह आसाम राइफल्स इनकम टैक्स स्टैटिस्टिक्स आईआईटी भुवनेश्वर ईपीएफओ भारतीय डाको नालको ईएसआईसी बीएसएफ सेल एसएलबीसी एवं जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्स रे युवपीढ़ी माने चाकरी पाइछन्ते। जूनियर इंजीनियर इन्स्पेक्टर जूनियर असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर भली विभिन्न पद पदवी रे नियुक्ति दिया जाइछे। प्रधानमंत्री को नीति और दूरदृष्टि कारण आज देश में युवपीढ़ी को रोजगार स्वरोजगार और टेलीजोगाजोग क्षेत्र में नुआ परिभाषा तैयार होइछे। प्रथमे स्वदेशी 5G परे एबे आईआईटी माड्रास स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस प्रस्तुत करछि। एहा होछि आम युवक मानकर नवसृजन पराकाष्ठा बोली कहिछन्ते केन्द्र शिक्षा मंत्री। केवल सरकारी नियुक्ति नुहे, आज रोजगार स्वरोजगार आत्मनिर्भरता बढ़ेबा पई भारत सरकार संकल्पबद्ध। भारत सरकार नियम गुड़िक योजना गुड़िक सही ढंग से आज क्रियान्वयन हवा आरंभ करछि। ओडिशार युवक युवती माने भी तार भल संख्यारे लाभार्थी हुवंतु, एटा मोदी सरकारंकर योजना। रोजगार मेला थारु हमको गुटे जॉब अपॉर्चुनिटी पाइली। मु आगे वाराणसी रे जॉब करतली तो मते गुटे बहुत ही भल अपॉर्चुनिटी आ गुटे बहुत कीन अपॉर्चुनिटी मिलला एटी आसीकी भुवनेश्वर रे आम ओडिशा को सर्विस दबा पाई। बहुत ही गर्व का विषय है कि ऐसी रोजगार मेले में हमको यहाँ पर बुलाया गया और माननीय मंत्री जी हमें अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। एक गर्व की बात है, इससे हम और बिलोंगिंग फील करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए गवर्नमेंट के लिए। तीनटी रोजगार मेला रे एबे सुधा 2,00,000 रु ऊर्ध युवक युवती को नियुक्ति दे सारिथवा बेले चलित वर्ष 1,00,000 युवक युवती को नियुक्ति देबा पई लक्ष्य रखिछन्ते केंद्र सरकार। ब्यूरो इनपुट एवं भुवनेश्वर कैमरा पर्सन जितेंद्रक सह प्रदीप्त महापात्रक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। उनके चेहरे पर खुशी और संतोष का भाव